आज ना मैं आपके लिए व्लॉग के तौर पे ये खूबसूरत सी कलर का एक लेंस दे देता हूँ। और ये जो पोलार वाइट कलर है, ये अट्रैक्टिव इस कलर फॉर्मेशन पे जो पूरे BMW बाकी कलर्स या बाकी वेरिएंट पे वाकिफ है, तो ये बहुत ज़रूरी था G310 GS में बिलाने का। अब सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अब जैसे ये इंक्रीज़ हुआ है तो इसकी कीमत पे कितने बदलाव आए होंगे। तो सिर्फ मैं अपने सिटी का भी ऑन रोड प्राइस बता दे रहा हूँ, आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर उस हिसाब से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेशन कितने कीमत पर ये जाएगा। तो 381,000 की कीमत में ये गाड़ी हमारे शहर पे मिल रही है, आपके सिटी पे थोड़ा बहुत वेरी करेगा। और ये वाला जैसे कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे, तो ये जो है डार्क ब्लू फॉर्मेशन, ये वाइट, ये पैटर्न ऑल ओवर जो मैचिंग है, अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। ये जो रेड फॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा रेडिश फॉर्मेशन यहाँ भी है, आपको GS यहाँ देखने मिल जाता है, BMW का लोगो आपको यहाँ पर है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पियानो ब्लैक में ना होते हुए ये आपको ब्लैकेस्ट फॉर्मेशन पे दिया हुआ है। और जो BMW जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो क्रोम टच में जैसे उसका बेस है, ये आपको पियानो ब्लैक टच पे मिलता है। वहीं पर जैसे सामने का ये पोर्शन देख रहे होंगे, तो ये सेम जो टैंक से अटैच है, ये चीज़ें लहर जाते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है। अब ऑफकोर्स आप इस चीज़ से वाकिफ है, पर एक बार ग्लेंस मैं आपको और दे देता हूँ। तो ये रहा LED हेडलैम्प फॉर्मेशन, जिसे आप मल्टीपल स्विच कॉम्बिनेशन के साथ आराम से सेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से जैसे यहाँ फुल अपर डिपर आप जलाते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा आता है। और जब मैं आपको एक ड्राइवर पर्सपेक्टिव के हिसाब से लुक दिखाऊंगा भी कुछ देर में, तो उसमें दिखा दूंगा कि सामने का प्रोजेक्शन कितना जाता है, बट फिलहाल आप इससे फिर इसमें बंद कर सकते हैं। अब जैसे उस ग्लेंस से आप देख लीजिए ना, तो कलर अब ये फॉर्मेशन पे भी देख लीजिए, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो सेंटर पे आपको ब्लश फॉर्मेशन लगता है। अब मैं करेक्ट अगर ड्राइवर पर्सपेक्टिव से दिखाऊं, तो अगर मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ तो कुछ सामने का ग्लेंस ऐसा दिखता है। और सामने के लुक फॉर्मेशन पे मैं आपको सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन दिखा देता हूँ। तो अभी LED पूरी तरीके से जला हुआ है, तो सामने वहाँ प्रोजेक्शन देख रहे होंगे, तो कुछ इस प्रकार से लाइट मिलेगा। वहीं पर अगर आप मैं ऐसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ, तो आपको कुछ ऐसा जलता हुआ दिखेगा, और सबसे नीचे में सिर्फ जो सेंटर में वहाँ DRL है वो जलता हुआ दिख रहा है। अब ये कलर फॉर्मेशन पे जैसे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ बीच वाला पोर्शन जो टैंक का सेंटर है, वो आपको ब्लूइश टच में मिलता है, और दोनों साइड में आपको वाइट फॉर्मेशन मिलेंगे, पर हल्का सा आपको रेड ग्लेंस भी दिखता है। क्योंकि जैसे मैं चला रहा हूँ, तो इस साइड में आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पर हल्का सा रेड है, जो कि आपको एक बॉक्स फॉर्मेशन पे दिखता है रेक्टेंगुलर, और वो छोटा सा लहर कम होते हुए यहाँ तक जाता है। तो जैसे आप गाड़ी चलाएंगे, तो आपको दोनों साइड में कुछ यहाँ भी हल्का सा ग्लेंस टच दिखेगा, बस सेंटर फॉर्मेशन जो मेन लोकेशन आपका आंखों में जो रहने का दिमाग, वो यहाँ पर ब्लूइश टच लगेगा। तो कभी भी आप गाड़ी चलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से लुक दिखेगा, जिसमें आप नज़रे को नीचे झुकाएंगे तो यहाँ पर कुछ टच ऐसा लगता है। और देखिए, जैसे 381,000 दिमाग में उठता है, तो क्या ये एक परफेक्ट कलर ऑप्शन हो सकता है? तो मेरा मानना है कि अभी तक का सबसे बेस्ट कलर ऑप्शन यही है, क्योंकि एक प्योर जो BMW का टच इसमें ज़रूर आपको मिल जाता है। आप जैसे दिमाग में रहेगा कि इसके अलावा तो और भी हमारे पास एक नया कलर आया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये आप कलर फॉर्मेशन देख रहे हैं, जो कि काला माता के नाम से इसे जाना जाता है, और ये काला माता जो कलर है वो यहाँ थोड़ा सा मेहंदी टच कलर देता है, और ये जो है रैली आपको लिखा हुआ मिलेगा, और सेम जो वहाँ पर आप देख रहे होंगे रेडिश फॉर्मेशन यहाँ भी मिलता है, बाकी सेम एज इट इज टच है। बट ये कहता है कि रैली एडिशन तो प्रॉपर इसे जो है वो मैट फिनिश में इन्होंने देने की कोशिश करी है, विच इज़ रियली गुड, जिसमें ये वाला जो है, ये जो रेड टच है इस मैट ब्लैक के साथ बहुत ही प्यारा लगता है। ना आई बिलीव कि इसी ग्लेंस के कारण शायद ये अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दो कलर ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन कौन सा बेहतर हो। एक तो ये वाला ऑप्शन जो कि काला माटा के नाम से है, और कभी इसमें जैसे ऊपर कवरिंग लगता है तो ये और ज़्यादा ब्रॉडर दिखता है, और इसके साथ कितना अटैच रहेगा वो कभी कुछ गाड़ियों का ग्लेंस रहता है, तो मैं वो भी कभी व्लॉग में आपको कवर करके दिखा दूंगा। बट लमसम आप ये दो जो नया फॉर्मेशन है आपको कितना अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और प्राइस रेंज के हिसाब से ये जो वाइटिश फॉर्मेशन कलर है, इट्स रियली अट्रैक्टिव। और एक ग्लेंस में जिसमें अभी इस आई साइड से दिखा रहा हूँ, कि अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो कुछ ऐसा आपको लहर वाइट पोर्शन ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये जो साइड का टैंक फॉर्मेशन है ये पूरी तरीके से वाइट है। कभी भी अगर आप इस ग्लेंस में देखेंगे तो ये अट्रैक्टिव लगता है। अब ऑफकोर्स आप इसके इंजन से वाकिफ है, पर मैं आपको एक बार और हल्का सा डिटेल बता देता हूँ। तो 313 CC
का इसमें इंजन का डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जो कि आपको मैक्सिमम पावर 34 PS का और वहीं पर टॉर्क 28 Nm का निकाल के देता है, जो कि मैक्स स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन 140 अराउंड पालेंगे। अब जैसे ये बल्कियर इतना ऑफ रोडिंग है तो एक दिमाग में भी रहता है कि वेट कितना परफेक्शन है, तो 169.5 kg के इसमें आपको वेट फॉर्मेशन मिलते हैं। अब नीचे जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ आपको व्हील बेस एक सफिशेंट मिलता है, जो कि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल पे होनी चाहिए, और वो लगभग लगभग आपको 1420 का मिल जाता है। अब बाकी चीज़ तो परफेक्शन है ही, बट जैसे ऑफ रोडिंग व्हीकल आती है, स्पेशली ये BMW G310 GS, तो दिमाग में ये आता है कि यार सीट का जो हाइट है वो कितना परफेक्ट हो, और जैसे टॉल राइडर हैं या फिर मीडियम शॉर्ट, तो इनके लिए कितना बेहतर होगा। तो जैसे 835 mm इसका सीट हाइट है, ठीक, वहाँ से अगर आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ प्रॉपर तक कंफर्टेबल जो है मेरे हाइट के हिसाब से मैं थोड़ा मैनेज कर ले लूँ, पर हाँ थोड़े से अगर आप कम हैं तो दिक्कत जाएगा। अगर मेरे हाइट से टैली करें तो 5'10" के हिसाब से कंफर्टेबल थोड़ा बन जाता है, पर अगर शॉर्ट राइडर्स कोई भाई हैं जो 3-4 inch मेरे से छोटे हैं तो शायद ये उनके लिए दिक्कत पड़ेगा, बट फिर भी अगर वो शौकीन है तो अपने हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अल्टरनेशन पे आप दूसरा ऑप्शन भी एक अच्छा आता है, जो कि BMW G310R के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप एक BMW ही अटैच बाइक होना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। कलर ऑप्शन साथ ही साथ मैं इसको भी दिखा देता हूँ। जैसे ये जो पूरा टचअप है, ये कलर फॉर्मेशन से आप वाकिफ होंगे, तो ये एक कलर और दूसरा ग्लेंस में रेड फॉर्मेशन पे ये एक आपको मिल जाता है। अब देखिएगा, जैसे मैं रेड वाला कलर आपको दिखा रहा हूँ ना, तो ये जो रेड कलर है यहाँ पर टैंक और बहुत ज़्यादा पन में आपको रेडिश फॉर्मेशन मिलता है। ये तो क्योंकि ऑलरेडी रेड दिया हुआ है तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट इसमें व्हील में भी आपको रेड देने की वजह से थोड़ा सा इसका जो लालपन है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे ब्लैक में देख रहे होंगे तो प्रॉपर आपको मिक्स मैच यहाँ पर ना देते हुए पूरा एक क्लियर ग्लेंस में ब्लैक फॉर्मेशन ऊपर से नीचे सब जगह मिलता है, और ये भी एक्चुअली दूसरी गाड़ियों में मैट ब्लैक फिनिश में रहता है, इसी कारण से ये पूरा और अट्रैक्टिव लगता है। बट एनी हाउ, अगर आप शॉर्ट राइडर हैं तो ये भी व्हीकल आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें कुछ नए कलर ऑप्शंस भी अब आपको मिल गए हैं, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं और अपना कोई फिक्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं लम सम अभी 3 कलर का एक झलक आपको दिखा दिया, तो ये आप अगर संतुष्ट हैं तो ये कलर ऑप्शन भी अच्छा है। काला माटा एक नया कलर ऑप्शन है, जो कि मेहंदी कलर फॉर्मेशन पे है, जो नया अगर एक कलेक्शन चाहते हैं तो वो भी आपको परफेक्ट मिल जाए। बट सबसे सर्वोत्तम जिससे मैंने ये शुरुआत करी थी, ये एक परफेक्ट कलर ऑप्शन 381 के प्राइस रेंज में आई थिंक एक कलेक्शन के तौर पे बहुत सटीक रहेगा। तो नया कलर फॉर्मेशन ये आई थिंक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बाकी का क्या है, थोड़ा ट्रेंड जा सकता है, पर ये BMW का एक बेस कलर है, तो इसका जो खूबसूरती है वो कई सालों तक कंटिन्यूशन में भी आपको अफसोस नहीं होगा कि मैंने कोई गलत कलर ऑप्शन लिया। सो ये कैसा लगा नया कलर एक प्रॉपर प्राइस रेंज के हिसाब से और एक कंप्लीशन के तौर पर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।